मोदी जी की ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी ना लगवाएं कोई बात नहीं, हमें लगवाना है हम लगवा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना की वैक्सीन मोदी जी ने लगवा ली है, पता है बात? मैं नहीं लगवाऊंगी। आप नहीं लगवाएंगे क्यों? मास्क मेरे बैग में है बट मुझे मास्क की जरूरत है। क्यों लगवाओगे? अपने फायदे के लिए। कोरोना की वैक्सीन जिसे लेकर इतना बवाल मचा था कि विपक्ष के लोगों ने ये बोल दिया था कि अगर मोदी जी लगवा लेंगे तो हम भी लगवा लेंगे, और अब तो खुद मोदी जी ने एम्स पे जाके कोरोना की वैक्सीन को लगवा लिया। तो अब मैं जनता जनार्दन से ये पूछने आई हूँ कि क्या वो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, और कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी हुई बारीक बारीक जानकारियाँ उनके पास है या नहीं है ये जानते हैं आज की जनता जनार्दन से। सो लेट्स गो। सर आपने मास्क नहीं पहना हुआ? अभी कोरोना है, कोरोना कहीं नहीं गया है। मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, पता है बात? लगवा ली जी मैम। कोरोना की वैक्सीन मोदी जी ने लगवा ली है, पता है बात? नहीं पता तो नहीं है। लगा लिए हो? लगा लिए है मोदी जी। मोदी जी ने जो वैक्सीन लगवा ली है इसके बाद जब आपका कल को नंबर आएगा, आप वैक्सीन लगवाने में डरेंगे नहीं डरेंगे या फौरन जाके लगवा लेंगे? देखिए बात डरने ना डरने की नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन की है, मैं नहीं लगवाऊंगी। आप नहीं लगवाएंगे क्यों? मैं लगवाऊंगा। तो ये हिम्मत जो है ये मोदी जी को देखकर आई है या पहले से थी? मैम ये पहले से थी। क्यों लगवाओगे? अपने फायदे के लिए। मेरे अकॉर्डिंग हम सब लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, वैक्सीन सेफ है। कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे आप? बिल्कुल नहीं। I am a Sadhguru follower, so I'm taking traditional and very therapeutic home remedies. So I don't think corona is in my mind, so it's not for me in medicines. अच्छा, इसीलिए आपने मास्क भी नहीं पहना होगा? हाँ, sorry, mask मेरे bag में है, but मुझे mask की जरूरत है। अगर मान लीजिए मोदी जी वैक्सीन नहीं लगवाते, तब आप लगवाते या थोड़ा सा मतलब कि ठीक है मैं सोचूंगा फिर लगवाऊंगा वाला हिसाब किताब होता? मोदी जी की ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी ना लगवाएं कोई बात नहीं, हमें लगवाना है हम लगवा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद मोदी जी ने जाके लगवा ली वैक्सीन। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। कोरोना का हमें नहीं पता वो क्या करेगा, वैक्सीन के हमारे पास साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, दे विल सेव यू डेफिनेटली, तो आपको लगवानी चाहिए। आई थिंक वैक्सीन जरूरी नहीं समझते, और बाकी वैक्सीन तो ऐसी सी चीज है, साइंटिस्ट डॉक्टर सब ऐसे ही परेशान थे इतने टाइम से, अब जब आ गई है तो भी लोगों के नखरे खत्म नहीं हो रहे। तो मतलब मोदी जी को कैसे बोलोगे कि हम नहीं लगवा रहे, क्यों नहीं लगवा रहे? हमें मतलब कि हमें लगता है कि वैक्सीन अगर हम लगवा भी लेंगे तो इस बात की श्योरिटी क्या मोदी जी दे देंगे कि हमें इसके वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा? अगर वो श्योरिटी दे देंगे तो हम लगवा लेंगे। बिकॉज इसका फीडबैक अच्छा है, क्योंकि हमारे एक दो रिलेटिव हैं जो कि कोरोना वॉरियर मतलब हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो उन्होंने लगवाया, इफेक्टिव है, तो हम तो जरूर लगवाएंगे जो है। अच्छा अभी ये पता है आपको कि कितनी उम्र के से ज़्यादा के लोग अभी लगवा सकते हैं? I don't know. ये तो पता है कि लगता है, और 250 रुपए भी बता रहे कि गवर्नमेंट लगाती है वहाँ पे, उसके बाद ये पता नहीं कि जात कहाँ कैसे लगेगा करके। अच्छा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये बारीक जानकारी है आपके पास कि ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है? आज मॉर्निंग में मैं किसी न्यूज चैनल पर देख रहा था, दे हैव गिवन टू वेबसाइट्स, वन इज कोविन 2 वेर यू कैन गेट रजिस्टर योरसेल्फ इफ यू आर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अबव 60 एंड अबव 45 विद क्रिटिकल कंडीशन, देन यू कैन गेट रजिस्टर और आपका नंबर आ जाएगा। बिल्कुल, तो देरी किस बात की, जाइए और लगवाइए वैक्सीन, है ना? जी बिल्कुल। दो लोग जो आप चाहो कि अब इनको तो वैक्सीन लगे ही लगे, पॉलिटिकल लीडर्स में, तो किन किन को लगना चाहिए अब? पॉलिटिकल लीडर्स में, तो पॉलिटिकल लीडर्स में मैं चाहूँगा जो अभी करंट में अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमन जी हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और एक अरविंद केजरीवाल जी को लगना चाहिए। क्यों, इन दोनों को क्यों लगना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी को तो लगना ही चाहिए, क्योंकि उनको इसलिए लगना चाहिए क्योंकि उनका पुराना खांसी का हिस्ट्री था। तो अच्छा कैसे भगाया जाए कोरोना को? इट इज ऑलरेडी गॉन यार। अच्छा कोरोना चला गया? यस आई मीन कैसे आप? इट इज गॉन।
तो पहले ही हो सकता था, तो ये पूरा एक वैक्सीन आने में टाइम लगा और वैक्सीन अप्रूव हुआ है, उसके बाद सारे हेल्थ वर्कर्स को भी लगा है, सबको लगा है, तो ऑब्वियसली इस पे विश्वास करना तो बनता है। मतलब अब मोदी जी के बाद वैक्सीन लगे तो वो दो लीडर्स कौन कौन होने चाहिए? मैम जैसे कि मोदी जी के बाद अगर लगने वाले हैं तो राजनाथ सिंह जी हो गए, दूसरा अपना योगी आदित्यनाथ जी हो गए। अच्छा, इन दोनों को क्यों लगना चाहिए? इसलिए लगना चाहिए थे, एक तो मतलब मैम उसका रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, दूसरा एक CM है, तो उन दोनों को लगना कंपलसरी है। सारे पब्लिक को इसको लगवाना चाहिए एंड इट इज़ वेरी गुड। पूरी दुनिया हमसे वैक्सीन इंपोर्ट करवा रही है, तो सबको इस पे भरोसा करना चाहिए और सबको इसके साथ लड़ना चाहिए और लगवाना चाहिए, सबको ही लगवाना चाहिए। भैया मुझे तो यहाँ पर बड़े ही मिक्स रिएक्शन सुनने को मिले। कुछ लोगों का ये मानना था कि मोदी जी ने अगर वैक्सीन नहीं भी लगवाई होती तो भी वो लोग वैक्सीन जरूर लगवाएंगे, और कुछ का कहना था कि हमें तो वैक्सीन नहीं लगवानी, लेकिन प्लीज वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपकी एज ग्रुप के हिसाब से आपका नंबर आए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के अपना वैक्सीन जरूर ले। कोरोना को भगाना है ना, तो वैक्सीन लगाना उतना ही जरूरी है। बाकी वैक्सीन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर तो बनता ही है, और अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।